हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। दिस इज अंकिता सूद एंड आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में मेमोरी हायरार्की। सो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में हर साल इस पर्टिकुलर सेक्शन से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेमोरी हायरार्की से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं वो इंपॉर्टेंट है एंड किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है हमारा आज का कंप्लीट सेक्शन। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट 2022 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है एंड इस बैच की स्पेशलिटी ये है कि हम पेपर वन एंड पेपर टू का कंप्लीट सिलेबस सिर्फ 90 डेज में आप लोगों को कवर कराएंगे, जिसमें हम थियोरी लेक्चर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हेल्प से सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। एंड इस कंप्लीट वीडियो सीरीज के बाद हम आपको गारंटी देते हैं कि आप लोग यूजीसी नेट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो कंप्यूटर साइंस का पेड कोर्स भी आप लोग ले सकते हो एट जस्ट ₹5,000। एंड अगर आप लोग सिर्फ नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको पे करना होगा ₹1,000। इसके अलावा अगर आप लोग पेपर टू में कोई भी कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसके साथ पेपर वन का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है मेमोरी हायरार्की। सो मेमोरी से हमारा क्या मतलब होता है? एक ऐसी चीज़ जहाँ पे हम कोई इंफॉर्मेशन को या फिर किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर तो कर ही सकते हैं, इसके साथ ही समय आने पर, ज़रूरत पड़ने पर हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो मेमोरी किस बेसिस पे हम लोग अरेंज करते हैं वो बताया जाता है मेमोरी हायरार्की के थ्रू। ठीक है, सो इसके बेसिकली हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं एंड इन हायरार्की को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड एंड यूज़। कितनी उनकी स्पीड है, कितना उनको यूज़ किया जाता है, उस बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो मेमोरी हायरार्की में सबसे पहला आता है हमारे पास रजिस्टर, दूसरा है कैशे या फिर इसको हम कैश भी बोलते हैं, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है, तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो 5 मेमोरी के टाइप्स हैं, ये यूजीसी नेट पेपर वन में जो यूनिट है ICT उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो ऊपर के 3 मेमोरी के टाइप्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट 3 हायरार्कीज हैं, ये तीनों होती हैं वोलेटाइल। ठीक है, इन तीनों को बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। सो वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर बाय चांस मान लीजिए हम कुछ काम कर रहे हैं एंड बीच में पावर चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, ठीक है, सो जितना भी डेटा होता है वो क्या होता है, वो लॉस हो जाता है, डेटा लॉस हो जाता है। यानी कि अगर हमने फाइल को सेव नहीं किया है एंड लाइट चली गई, हमारा सिस्टम ऑफ हो गया, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि इससे हम लोग अपनी वापस फाइल्स को रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहीं जो लास्ट की 2 टाइप्स होती हैं, ये होती हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये होता है कि अगर पावर ऑफ भी हो जाए, पावर लॉस भी हो जाए, तो जो भी डेटा होता है वो परमानेंटली हमारे सिस्टम में स्टोर हो गया होता है, तो यानी कि हम उसको बाद में भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इनके बीच में कुछ मेजर से डिफरेंसेस जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं वन बाय वन कि किस तरह से ये जो मेमोरी है ये काम करती है। तो सबसे पहले आती है हमारे पास रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, सो रजिस्टर मेमोरी जो होती है इसको हम लोग CPU रजिस्टर्स भी बोलते हैं, CPU रजिस्टर्स भी बोलते हैं एंड ये आता है लेवल 0 पे। ठीक है, आप लोगों ने ऐसे याद रखना है लेवल 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, सो ये आता है लेवल 0। दूसरा आता है हमारे पास कैशे मेमोरी। सो कैशे मेमोरी का एक एग्जाम्पल होता है, दैट इज SRAM। सो एस हेयर स्टैंड्स फॉर स्टैटिक, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास दूसरा लेवल, दैट इज मेन मेमोरी। ठीक है, सो मेन मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, एंड ये होता है DRAM। DRAM का मतलब होता है डायनामिक रैम। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक डिस्क को बोला जाता है डिस्क स्टोरेज। ठीक है, एंड मैग्नेटिक टेप्स इसको एंड मैग्नेटिक डिस्क, इन दोनों को कंबाइन हम बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, एंड ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, इन दोनों को हम लोग लेवल 4 में भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने मैग्नेटिक डिस्क देखा, इसके बाद मैग्नेटिक टेप है। ठीक है, एक और आ सकता है इनके बीच में, वो हो सकता है ऑप्टिकल डिस्क।
ठीक है। सो बीच में कई बार ऑप्टिकल डिस्क भी होता है, तो ये दोनों को कंप्लीट हम क्या बोलेंगे, लेवल फोर मानकर चलेंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम रेशियो, कि कितना टाइम ये एक्सेस करते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको बताया गया है। इसके अलावा इसी फ्लो में अपवर्ड डायरेक्शन में और क्या काम करता है, इंक्रीज इन कॉस्ट पर बिट। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर को जाते जाएंगे, क्या है, पर बिट की कॉस्ट भी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जैसे जैसे हम आते जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होती जाएगी कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे मेमोरी की कैपेसिटी एंड उसका एक्सेस टाइम इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों ने मेमोरी से रिलेटेड याद रखने हैं। तो यूजीसी नेट में मेमोरी हायरार्की जो पर्टिकुलर चीज़ें अभी मैंने बताई, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है। एंड क्वेश्चन यही होगा कि जो मेन मेमोरी है वो कौन से लेवल पे आती है, प्राइमरी मेमोरीज को बोला जाता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वन बाय वन अब हमें इनको डिस्कस करना है। तो पहला टॉपिक आता है रजिस्टर मेमोरी। ठीक है। सो रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स बेसिकली हमारे पास रैम या फिर एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें किस में होती हैं, ये दोनों चीज़ें होती हैं प्रोसेसर में। किसके प्रोसेसर में, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसर में। ठीक है। एंड ये किस लिए यूज़ होते हैं, इनको यूज़ किया जाता है फॉर होल्डिंग द डेटा वर्ड विच इज़ टिपिकली 64 और 128 बिट्स। ठीक है। यानी कि 64 से लेकर के 128 बिट्स का जो डेटा होगा उसको हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे, रजिस्टर मेमोरी में स्टोर करेंगे। ठीक है। एंड इसके अलावा द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल एज फाउंड इन ऑल द प्रोसेसर। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है। सो कंप्यूटर्स में अगर हम लोग रजिस्टर्स मेमोरी की बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ आती है जिसका नाम होता है RISC। ठीक है। RISC का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है। एंड इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक रजिस्टर मेमोरी का ही पार्ट होता है। सो अब सेकंड बात करते हैं कैशे मेमोरी की। तो कैशे मेमोरी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसर में। ठीक है। एंड ये कहाँ पे होती है, आईसी, इसको हम लोग आईसी भी बोल सकते हैं। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। तो विच इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। सो फर्दर जो है कैशे मेमोरी में जो आईसीज होते हैं या ये जो आईसीज होते हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। एंड जो कैशे मेमोरी होती है वो क्या करती है, वो होल्ड करती है किसको, चंक ऑफ डेटा को विच आर फ्रीक्वेंटली यूज फ्रॉम मेन मेमोरी। ठीक है। तो मेन मेमोरी में जो भी डेटा यूज होता है, ठीक है, उस डेटा में जो भी चंक्स होते हैं, ठीक है, डेटा के जो चंक्स होते हैं उसको स्टोर करने के लिए कैशे मेमोरी यूज होती है। तो आप सभी लोग जैसे मोबाइल सिस्टम यूज करते हो तो मोबाइल में आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हमारे पास स्टोरेज फुल बताता है, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग कैशे मेमोरी को डिलीट कर देते हैं तो क्या होता है, वहां पर स्पेस थोड़ा सा कवर हो जाता है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जब भी हम लोग अपने मोबाइल सिस्टम में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं एंड बस मान लीजिए यूं ही हम कोई वेबसाइट देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कुछ भी चीज़ हमने डाउनलोड नहीं की, बस यहाँ वहाँ ऐसे ही फ़ोन में घूम रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे भी हमारा सिस्टम क्या करता है, मेमोरी कोई स्पेस कवर करता है जिसको बोला जाता है कैशे मेमोरी। ठीक है। थर्ड टाइप आता है हमारे पास मेन मेमोरी। सो मेन मेमोरी जो होता है कंप्यूटर में एक मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है। द मेमोरी यूनिट इन द सीपीयू दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली। ठीक है। ये जो है ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है एंड दिस मेमोरी इज फास्ट एज वेल एज लार्ज मेमोरी यूज फॉर स्टोरिंग द डेटा थ्रू आउट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। एंड जो मेन मेमोरी होती है हमारे पास ये किससे मिलकर बनी होती है, ये बनी होती है रैम एंड रोम से मिलकर। ठीक है। तो हम लोग जब भी मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में भी हम सब ने देखा है कि मेन मेमोरी कितनी है, प्राइमरी मेमोरी कितनी है, हम लोग ये सब चीज़ें चेक करते हैं। ठीक है। तो मेन मेमोरी होती है रैम एंड रोम दोनों का ही कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क जो होते हैं कंप्यूटर में ये एक सर्क्यूलर प्लेट्स होती हैं। डिस्क जहाँ पे भी वर्ड आता है इसका मतलब है एक सर्कल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ये कुछ सर्कुलर प्लेट्स होती हैं जिसको कि एक प्लास्टिक के थ्रू फैब्रिकेट किया जाता है। ठीक है। अगर ये फैब्रिकेट नहीं की जाती हैं तो ये क्या होती है, ये मेटल होते हैं बाय मैग्नेटाइज्ड मटीरियल। ठीक है। इसके ऊपर मेटल ऐड किया जाता है मैग्नेटाइज्ड मटीरियल के थ्रू। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, बेसिकली दो फेसेस होते हैं।
हर एक मैग्नेटिक डिस्क के दो फेसेस होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे कि रीड और राइट हेड्स के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स। सो मैग्नेटिक टेप इज नॉर्मल मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग विच इज डिजाइंड विद अ स्लेंडर मैग्नेटाइजेबल कवरिंग ऑन एन एक्सटेंडेड प्लास्टिक फिल्म ऑफ द थिन स्ट्रिप, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो पुरानी कैसेट्स होती थी उसमें इस तरह से एक पतली सी थिन सी स्ट्रिप होती थी, पतली सी, ठीक है, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। सो ये जो है बेसिकली यूज किए जाते हैं किस लिए, किसी भी बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, अगर हमारे पास ह्यूज डेटा है तो उसको बैकअप करने के लिए मैग्नेटिक टेप्स को जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। एंड जो इसका एक्सेस टाइम होता है वो स्लोअर होता है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, ठीक है, एज वेल एज इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स फॉर एक्सेसिंग अ स्ट्रिप। तो इसीलिए इस वजह से क्या होता है, इसका एक्सेस टाइम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो नेक्स्ट आता है अब हमारे पास मेमोरी हायरार्की। अभी तक हमने डिस्कस किया तो उसके एडवांटेजेस क्या है, उसको यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके एडवांटेजेस में पहला आता है मेमोरी डिस्ट्रीब्यूटिंग इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल, यानी कि किस तरह की हमें मेमोरी की ज़रूरत है, कितना हमारा वैल्यू जो है, कितना डेटा जो है उसको स्टोर करना है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड जितने भी एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शंस होते हैं एक डेटा में, एक मेमोरी में, ये उसको रिमूव करने के लिए यूज़ होती है मेमोरी हायरार्की, ठीक है। एंड इसमें जो भी डेटा होता है या जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको पूरे सिस्टम में हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं मेमोरी हायरार्की को यूज करने के। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास द मेमोरी हायरार्की डिजाइन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, ठीक है। तो इसमें दो मेन टाइप्स होते हैं, पहला है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। इंटरनल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन, ठीक है। सो अब जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, ठीक है, मोबाइल में पहले से भी कुछ मेमोरी होती है एंड एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो जो इंटरनल मेमोरी होती है, जो बिल्ट इन मेमोरी होती है, उसको बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। एंड जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाहर से यूज़ करते हैं, उसको बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स। एंड इंटरनल मेमोरी होती है जैसे कि हमारी मेन मेमोरी, कैश मेमोरी एंड जो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं, ये भी इंटरनली सेव्ड होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बस इतना याद रखना है कि कोई भी डिस्क होती है, कोई भी मैग्नेटिक टेप से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मेनली डिस्क से रिलेटेड जो भी टर्म्स आपको नजर आएंगी, इसका मतलब है कि वो क्या होती हैं, वो एक्सटर्नल मेमोरी की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ऑक्सिलरी मेमोरी। सो ऑक्सिलरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है जो कि यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं बाद में, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज लोअर कॉस्ट, हाईएस्ट कैपेसिटी एंड लोएस्ट एक्सेस स्टोरेज इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि ये बहुत अच्छी मेमोरी होती है, इसकी कॉस्ट भी कम है, कैपेसिटी भी ज़्यादा है एंड एक्सेस स्टोरेज जो है इसकी वो स्लोअर होती है, ठीक है। इसको बोला जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इट इज़ वेयर प्रोग्राम एंड डेटा कैप्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज और वेन नॉट इन इमीडिएट यूज़, यानी कि बहुत टाइम के लिए कहीं पे अगर हमें डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक फाइल है, हमें पता है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे सिस्टम पे रहने वाली है, तो उसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। जो फाइल्स होती हैं, जो डेटा होता है जो कि हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ऑक्सिलरी मेमोरी का यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डायग्राम की हेल्प से, इस तरह से होते हैं, इसमें सर्कुलर मोशन में काम किया जाता है, ठीक है। एंड ये जो पर्टिकुलर ब्लैंक स्पेस नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रैक्स। तो जो भी डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो होता है इन ट्रैक्स में, इस वाले पर्टिकुलर स्पेस में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है सेक्टर। अब जैसे इसको हमने डिवाइड किया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक सेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा सेक्टर है। तो मेमोरी को सेक्टर्स में डिवाइड करने का रीज़न क्या हो सकता है, वो ये है कि अगर हमें मान लीजिए कोई डेटा है, हमें पता है कि वो सेक्टर 4 में है,
तो हम इजीली सिर्फ इसी पार्टिकुलर सेक्शन में उसको ढूंढेंगे, बाकी की मेमोरी में हमें किसी भी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड इसमें एक रीड राइट हेड होता है जिसके थ्रू हम डेटा को रीड कर सकते हैं एंड राइट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें चेंजेस भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सिलरी मेमोरी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, पहला होता है सीक्वेंशियल एक्सेस एंड दूसरा होता है हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। तो सीक्वेंस एक्सेस में क्या होता है, डेटा मस्ट एक्सेस इन अ लीनियर सीक्वेंस, यानी कि जो डेटा जिस सीक्वेंस में एंटर होगा उसी सीक्वेंस में हम उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। एंड डायरेक्ट एक्सेस जो होता है उसको हम किसी भी सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए इस सीक्वेंस में हमने यहाँ पे डेटा ऐड किया, लेकिन जो हम रीड कर रहे हैं, हम सबसे पहले थर्ड फाइल को रीड करते हैं, उसके बाद सेकंड की करते हैं, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट, तो ये होता है डायरेक्ट एक्सेस, यानी कि हम जिस भी फाइल को एक्सेस करना चाहें रेंडमली हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें द मोस्ट कॉमन सीक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस जो है वो होती है हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ठीक है, जिसमें कि हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा इसमें होते हैं जैसे कि रोटेटिंग ड्रम्स होते हैं, सीडी रोम्स होती हैं, डीवीडी रोम्स होती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सिलरी मेमोरी के केस में, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार क्या होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी की जगह लिखा हो सकता है ऑक्सिलरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल स्टोरेज और एक्सटर्नल मेमोरी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड ऑक्सिलरी मेमोरी जो है ये डायरेक्टली हम इसमें सीपीयू से किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि सीपीयू के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है, तो ये इसका एक हम लोग ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे ऑक्सिलरी मेमोरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास एसोसिएटिव मेमोरी, ठीक है। सो इस मेमोरी को हम बोलते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, दैट इज CAM, ठीक है। एंड इट इज़ अ मेमोरी हू सेव्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर अप्रोच बाय द कंटेंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ बाय एन एड्रेस और मेमोरी लोकेशन, ठीक है। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस मेमोरी में स्टोर की जाती है उसको हम लोग, उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उसके एड्रेस या फिर उसकी मेमोरी लोकेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप लोग एसोसिएटिव के साथ ये याद रख लेते हो ना कि इसका दूसरा नाम कंटेंट एड्रेसेबल है, तो यहीं से पता चल जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं, कंटेंट के एड्रेस के थ्रू उसको इजीली मेमोरी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो एसोसिएटिव मेमोरी के हमारे पास बेसिकली टाइप्स होते हैं दो, दैट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, ठीक है। एंड इसका ब्लॉक डायग्राम जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो ब्लॉक डायग्राम में कुछ पार्ट्स हैं, पहला है ए, ठीक है, ए भी बोल सकते हैं या फिर ए आर भी बोल सकते हैं, दैट इज आर्ग्यूमेंट रजिस्टर, आर्ग्यूमेंट रजिस्टर्स, ठीक है। आर्ग्यूमेंट रजिस्टर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किससे, की रजिस्टर से, जिसको सिंपली के भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद के रजिस्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एक लार्ज ब्लॉक से जिसमें कि स्टोर की जाती है एसोसिएटिव मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ एरे एंड लॉजिक, ठीक है। एंड इसमें क्या होते हैं, एम वर्ड्स, एन बिट्स पर वर्ड, ठीक है। तो ये क्या काम करता है वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। सो जो एसोसिएटिव मेमोरी में एरे एंड लॉजिक का सेक्शन होता है इसको डायरेक्टली, इसी से डायरेक्टली हम लोगों को क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है, ठीक है। एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स हम ले सकते हैं, जैसे कि पहला है इनपुट, सिंपल इनपुट जो हो सकता है, ठीक है। एक इसमें हेड होता है रीड का, एक हेड होता है राइट का, ठीक है। एंड वहीं दूसरी तरफ इसमें एक और रजिस्टर ऐड किया जाता है जिसका नाम है मैच रजिस्टर, ठीक है। तो ये है एसोसिएटिव मेमोरी का एक ब्लॉक डायग्राम। सो इसमें क्या होता है, इसमें जो की रजिस्टर होता है ये सपोर्ट करता है एक मास्क को, किसके मास्क को, फॉर सेलेक्टिंग अ स्पेसिफिक फील्ड और की इन द आर्ग्यूमेंट वर्ड, ठीक है। इसलिए यहाँ पे की रजिस्टर को यूज किया जाता है। एंड द होल आर्ग्यूमेंट इज डिस्टिंग्विश्ड विद ईच मेमोरी वर्ड इफ द की रजिस्टर इंक्लूड ऑल द वंस, अगर पूरे की रजिस्टर में सभी जो वैल्यूज हैं वो वंस होंगी तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं मेमोरी वर्ड में, ठीक है। तो ये था एसोसिएटिव मेमोरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप आता है हमारे पास वर्चुअल मेमोरी। सो वर्चुअल का मतलब वो क्या होता है, नॉट रियल, एक ऐसी चीज जो कि एग्जिस्ट तो करती है लेकिन वो रियल नहीं होती है,
ठीक है. सो वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक होती है दैट कंप्यूटर्स यूज टू ऑप्टिमाइज देयर मेमोरी मैनेजमेंट बाय ट्रांसफरिंग द डेटा बिटवीन डिफरेंट स्टोरेज सिस्टम्स लाइक रैम एंड डिस्क स्टोरेज. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं एंड उसमें जो मेमोरी को मैनेज करता है वहाँ पे यूज किया जाता है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट. ठीक है, एंड इट अलाउ प्रोसेसेस टू शेयर मेमोरी बिटवीन द लाइब्रेरीज. इसके अलावा वर्चुअल मेमोरी जो होती है इसकी ये एडवांटेजेस भी हैं. ठीक है, कि ये क्या करता है, प्रोसेसेस को अलाउ करता है टू शेयर मेमोरी बिटवीन द लाइब्रेरीज. सो लाइब्रेरी है वहाँ पे हम लोग मेमोरी को शेयर कर सकते हैं. मान लीजिए किसी दूसरे प्रोसेसर को, किसी दूसरे फील्ड को या किसी दूसरी प्रोसेस को किसी मेमोरी की ज़रूरत है तो यहाँ से हम इसको शेयर कर सकते हैं. सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये क्या है, वर्चुअल मेमोरी जो है वो शेयर्ड मेमोरी को यूज़ करता है. ठीक है, नेक्स्ट है इट इम्प्रूव द सिक्योरिटी. कैसे करता है सिक्योरिटी को इम्प्रूव, बाय आइसोलेटिंग और सेगमेंटिंग वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि अगर एक ही पर्टिकुलर डेटा है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, एंड फिर उसको सेगमेंट भी करते हैं एंड ज़रूरत पड़ने पर उसको हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इट कैन रन मल्टीपल एप्लीकेशन एट द सेम टाइम. अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या करता है, कॉमन मेमोरी यूज करता है, शेयर्ड मेमोरी यूज करता है. ठीक है, इसका मतलब है कि ये क्या कर सकता है, मल्टीपल एप्लीकेशन को हम एक साथ यूज कर सकते हैं. इट इज बिल्ट इन कॉम्पोनेंट ऑफ मोस्ट मॉडर्न डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. तो जितने भी अब कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसमें ये बिल्ट इन सिस्टम है. बिल्ट इन का मतलब होता है कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम पे ही इसको अंदर ही सेट किया जाता है. ठीक है, सो इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है पेजिंग, दूसरा होता है सेगमेंटेशन. ठीक है, तो अगर हम लोग पहले सेगमेंटेशन या सेगमेंटिंग की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये भी वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करने का एक मेथड होता है. ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, वर्चुअल मेमोरी, मान लीजिए ये हमारे पास वर्चुअल मेमोरी है. ठीक है, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम को डिवाइड किया जाता है इंटू डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स. ठीक है, एंड हर एक सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है. ठीक है, हर एक सेगमेंट की लेंथ, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती है हमेशा. ठीक है, अब बात करते हैं पेजिंग की. सो पेजिंग के केस में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पेजिंग फाइल्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, व्हेन अ कंप्यूटर रीचेज इट्स रैम लिमिट्स इट ट्रांसफर्स एनी करंटली अनयूज पेजेस इनटू द पार्ट ऑफ इट्स हार्ड ड्राइव्स यूज फॉर वर्चुअल मेमोरी. यानी कि कंप्यूटर में अगर मेमोरी फुल हो जाती है तो वो पेजिंग सिस्टम को यूज कर सकता है. ठीक है, एंड जो कंप्यूटर है वो इस प्रोसेस को यूज़ करता है किसके थ्रू, फाइल स्वैपिंग के थ्रू. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए. लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर. तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है. ठीक है, तो मेमोरी को मैनेज करना यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एंड कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी को, असाइनिंग पोर्शंस. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस के थ्रू इनको मैनेज किया जाता है एंड उन डिफरेंट पोर्शंस को, सेक्शंस को बोला जाता है ब्लॉक्स. ठीक है, एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स में डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं. एंड एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक कॉन्सेप्ट है, तो उसमें हम लोग इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बस बेसिक डेफिनेशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए. ठीक है, सो अगर हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर की बात करें तो ये क्या यूज़ करता है, ये रैम की चिप्स को यूज़ करता है, मेमोरी कैशेस को यूज़ करता है एंड फ्लैश बेस्ड SSDs को यूज़ करता है. सो यहाँ पे SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स. ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर हार्डवेयर की बात है यानी कि कोई हार्डवेयर चीज़ है जिसको हम टच कर सकते हैं, तो जहाँ पे भी एग्जाम में आप लोगों को फिजिकल स्टोरेज की बात की होगी दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर ओनली. ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम होती है हमारे पास जिसको कि डिवाइड किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में. तो इनके सिर्फ नाम आप लोगों को याद रखने हैं. ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम, तो इसको दो सेक्शंस में पहले डिवाइड किया जाता है. एक है कॉन्टिग्यूस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम एंड दूसरी है नॉन कॉन्टिग्यूस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम. ठीक है, सो कॉन्टिग्यूस को भी फर्दर दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है जिसमें कि पहला आता है सिंगल कॉन्टिग्यूस. ठीक है, दूसरा आता है मल्टीपल पार्टीशनिंग. अगेन मल्टीपल पार्टीशनिंग को डिवाइड किया जाता है, एक आता है इसमें फिक्स्ड पार्टीशनिंग एंड दूसरा आता है इसमें डायनामिक पार्टीशनिंग. यानी कि इसमें जो पार्टीशनिंग होगी हर एक की लेंथ, हर एक का साइज बराबर होगा,
इसमें जो है डायनामिक होगा, मेमोरी का साइज जो है वो डेटा और इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। नॉन कॉन्टिग्यूस की अगर बात करें तो इसमें आती हैं दो चीज़ें, पहली है पेजिंग एंड दूसरी है सेगमेंटेशन, ठीक है। सो पेजिंग एंड सेगमेंटेशन एंड मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक न्यूमेरिकल पेजिंग से ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।